अभी लाफ्टर चैलेंज में सेलेक्ट होने के बाद मैं गांव चला गया चाचा से आशीर्वाद लेने। चाचा को जाके मैंने बताया कि चाचा मैंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया, इतना अच्छा ऑडिशन दिया कि सब सामने वाले फ्लैट। फिर क्या हुआ? फिर क्या चाचा, मैंने इतना अच्छा ऑडिशन दिया कि सब सामने वाले फ्लैट। ना ना, ऑडिशन दिया फिर सामने वाला फ्लैट में क्या हुआ? अरे चाचा आप दिमाग खराब करना, आप तो बस आशीर्वाद दो हमें और मैं अच्छा काम करूं। हाँ हाँ, हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, अच्छा सा काम करना, मालिक को खुश रखना। सुनो, मालिक के बेटी को लेकर मत भागना। चाचा जगन्नाथ कभी स्कूल नहीं गए पर लिखने का बहुत शौक, लिखते लिखते बेचारे पागल हो गए, पागल खाने भर्ती करा दिए गए, पर लिखने का शौक वहां भी जारी। एक दिन एक डॉक्टर साहब आए, देखा मुआयने पे चाचा कुछ लिख रहे थे, चाचा के पास गए, बोला चाचा क्या लिख रहे हो? कमायनी लिख रहे हैं। जय शंकर प्रसाद। कमायनी? पर वो तो प्रसाद जी पहले ही लिख चुके हैं। मालूम है, अभी पिछला दिन भी एक डॉक्टर साहब आए थे, वो भी यही कह रहे थे जब हम मधुशाला लिख रहे थे। जयपुर में हमारे यहाँ वाइवा एग्जाम्स होते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड होते हैं, जैसे आप लोगों ने लिया। अब जैसे कि परंपरा चली आ रही है, स्टूडेंट्स को कुछ आए चाहे ना आए, रिएक्ट ऐसे करते हैं जैसे कि सब आते। चलो तुम सीपीयू के बारे में बताओ। सीपीयू सर, इट्स वेरी इजी सर, एक्चुअली इट्स वेरी इजी सर। या वेरी इजी सर, इट्स वेरी डिफिकल्ट सर। बस बस सीपीयू फूट जाएगी। चलो ये बताओ सिग्नल क्या होता है? सिग्नल? इट्स वेरी इजी सर, इट्स कम्स फ्रॉम हियर एंड गोज देयर एंड अगेन कम्स हियर फ्रॉम देयर। क्या हुआ, पेट में दर्द है? नहीं सर, बस पेट में है, जबान पे नहीं आ रहा सर। गधे कहेंगे कुछ नहीं आता तुम्हें, क्या पढ़ा है अब तक? जी पानीपत की लड़ाई कब हुई थी और अकबर कब पैदा हुआ था? अकबर कब पैदा हुआ था? ये इंजीनियरिंग के सवाल में ये अकबर कहां से आ गया? जी जैसे हम आ गए, अरे हम तो हिस्ट्री के स्टूडेंट है, गेट से गुजर रहे थे, हमको भी पकड़ के अंदर बैठा दिया। कई लोग ऐसे हैं कि जिंदगी में अपने इतनी बेइज्जती करवाते हैं अपनी, लेकिन मानते नहीं है, कहते हमने तो इज्जत कमाई है। ऐसा ही करेक्टर मिल गया। लेरी साहब, बस जिंदगी में इज्जत कमाई है, बस एक हमारी लड़की है, दो हमारे जमाई है, जिंदगी में बस इज्जत कमाई है। पता है दो जमाई हुए भी कैसे, मैं बताता हूँ आपको। लड़की की करनी थी शादी, तो कोई पहुंच गया ससुराल दूल्हा साहब के पास, तो उसको जाके कहता है लड़की ठीक नहीं है, और बंदा पूछे भी ठीक तो मैं भी नहीं हूं, मुझे शुगर है, तो इसका मतलब मैं गलत हो गया। उसको कहता जाके कि ये लड़की अपने गांव के हर लड़के के साथ एक एक बार भाग चुकी है, और बंदा पूछे भी छोटा सा हमारा गाँव है, कितना भागी होगी? उसकी कृपा है, अब उसके दो पति हैं, एक हलवाई है एक नाई है, जिंदगी में बस हमने इज्जत ही कमाई। हमारी जो घर पे बहू आई है उसको हमने बिल्कुल बेटी की तरह रखा है, जैसी बेटी वैसे बहू को रखा, बेटी हमारी नाचती है, बहू भी हमने नचाई है, जिंदगी में बस हमने इज्जत ही कमाई है। हमारी छोटी सी फैमिली थी, एक हमारी माँ थी, एक हमारा भाई था, और बाप एक दो तीन नहीं वो मर गया था, तीन, हाँ, गरीब आदमी कितने बाप रखेंगे। उस वक्त उन दिनों में उन्होंने मेहनती बहुत है, तीन डाके मारे थे। उन दिनों में पुलिस भी टाइम पर आ जाती थी, पंगा ये था, और रिश्वत भी नहीं चलती थी। मेरे बाप को पकड़ लिया, अब गधे पे बिठा दिया, मुंह काला कर दिया, जब जूतों के हार डालने लगे तो मैं बेटा हूं, मैं देख सकता था, मैंने मुंह उधर कर लिया। उस वक्त इतनी इंसल्ट फील की गधे ने कि मेरे ऊपर किसको बिठा दिया। लेकिन अब कृपा है, कल परसों ही उनकी जमानत कराई है, जिंदगी में बस इज्जत ही कमाई है। जब मैं यहाँ पहुंचा उसमें सोचा भी चलो कोई ट्राई कर लेते हैं, शायद कोई फिल्म में काम मिल जाए, ऑडिशन पे चला गया। हर प्रोफेशन के लोग वहां पहुंचे हैं, तो डायरेक्टर साहब सीन समझा रहे हैं सबको, वो बसों में जो पेन भेजते हैं वो पहले आ गया,
अच्छा तो ऐसा है कि ये लड़की है, इससे आपने शादी करनी है, तो कैसे मनाओगे, प्रपोज करोगे, कैसे करोगे? रीना, जानती हो मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, तुम क्या जानोगी, क्योंकि मैंने तुम्हें कभी बताया ही नहीं, लेकिन आज तक जितने भी मैंने तुम्हें खत लिखे थे ना, वो मेरे पास हैं। अब भी वो मैं खत देखता हूँ तो लिखाई वैसी की वैसी है, क्योंकि इस पेन से लिखी है और इस पेन की कीमत है 10 रुपए। पुलिस वाला भी पहुंच गया, उनका स्टाइल अपना। गल सुनो डायरेक्टर, हमें भी बना दे एक्टर, वरना बिगाड़ दूंगा मैं तेरा करैक्टर, जानता नहीं तू मेरे को। अच्छा ऐसा है, ये लड़की है। तो लड़की है तो मेरे को मां नजर आ रही हो, मेरे को नहीं पता लड़की। अच्छा ऐसा है, इससे आपने शादी करनी है। तो शादी मैंने पहली बार करनी है, 13 कर चुका, 13-14 और सही। पहले डायलॉग सुन लो। ओ डायलॉग वायलॉग नहीं, आम क्रिएटिविटी अपने क्रिएट करता हूं मैं। आज तक कभी किसी की गाली मैंने नहीं निकाली, अपनी लिखी हुई निकालता हूं मैं। हाँ बता भाई, तूने शादी करनी है कि नहीं? देखिए मैं किसी और से प्यार करती हूँ, प्लीज मेरी जिंदगी मत बर्बाद कीजिए। अच्छा तू किसी और से प्यार करती है, तूने एक पुलिस वाले का दिल दुखा दिया, रुला दिया, जा जिससे शादी करनी कर ले, जा 50 रुपए दे जा। जिसने 10 साल काम किया है रामानंद सागर जी के साथ, वो हीरो बनने के लिए आ गया, तो वो क्या कहता है? बेटा डायरेक्टर आयुष्मान भाव। अच्छा चलो आपको भी बताता हूँ। देखिए इस लड़की से आपने शादी करनी है, कैसे मनाओगे? पुत्री। ओ यार पुत्री नहीं, ये हीरोइन है, हीरोइन। बताओ तुम उससे शादी करोगी? नहीं, मेरे दिल में कोई और है। भगवान के सिवा और कौन हो सकता है? ज्योतिषमपि ज्योतिषम से पूर्वचिति ज्ञानम गेम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विष्टम। ओए यार पहले ये हाथ नीचे कर। ओके तो सॉरी, तो मैं ये अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो ये सारी दुनिया तुम्हें भुला दूंगा। देखिए आप मेरी बात, ओ यार तुम मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हो? आजकल के जैसे हीरो करते हैं ना वैसे आओ, तो मुझे बताओ ना। हाँ यार क्या बात कर रही हो तुम, अगर शादी करनी है तो ठीक है, वरना मैं मर जाऊंगा, अभी जान दे दूंगा मैं। नहीं 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 राजा, मैं तो तुम्हें आजमा रही थी, तो थैंक यू वेरी मच माते।